अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अल मक्का टेक एंड विद द सब। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कुछ ऐसे कॉइन जिन्हें बायनांस बहुत जल्दी डीलिस्ट करने जा रहा है। यानी कि बाज़ुकात आपने देखा होगा कि जिस तरह दोस्तों में चाम पाया जाता है लिस्टेड कॉइन का, उसी तरह यहाँ पर इस चीज़ की एजुकेशन बहुत ही कम पाई जाती है कि डीलिस्ट कॉइन को अगर हम डीलिस्ट होने से पहले पहले सेल कर देते हैं तो हम बच सकते हैं किसी भी बड़े नुकसान से, क्योंकि अगर हम उसे डीलिस्ट होने से पहले सेल नहीं करेंगे तो उसके बाद जो हमें मुआवजा मिलेगा यानी कि जो कंपनसेशन मिलेगी वो बहुत ही कम होगी और अकॉर्डिंग टू द बायनांस के बिहेवियर के मुताबिक हमें उसका पैसा मिलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह पिछले दिनों सेव मून ने अपने आप को बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन से डीलिस्ट कर दिया और उसके बाद काफ़ी दोस्तों को तकलीफ का सामना रहा, और इसके बाद सेम BTT ने भी यही किया और उन्होंने अपना दूसरा वर्जन लॉन्च कर दिया। मैं समझता हूं कि अगर आप इस वीडियो को खुद तो देखेंगे ही और अपने दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाते हैं तो यकीनन आप उनको नुकसान से बचा देंगे। और साथ में इस वीडियो में आपको एक अहम चीज़ बताना चाहता हूँ कि आखिर बायनांस या कोई भी एप्लीकेशन ये खेल क्यों खेलती है कि उसे एक दिन कॉइन जो है डीलिस्ट करने पड़ते हैं। आखिर इसके पीछे किसी भी एप्लीकेशन का क्या मुफाद है और ऐसा क्यों कॉइन्स के साथ बिहेवियर अपना लिया जाता है, और क्या ऐसे कॉइन्स स्कैम होते हैं जिन्हें खुद बायनांस उनकी पुष्पनाही करके पहले उनको लिस्ट करवाता है और जब वो बिल्कुल मट्टी में मिल जाते हैं तो उनको डीलिस्ट कर दिया जाता है। क्योंकि दूसरी तरफ बायनांस आए दिन 20-25 टोकन तक अब मार्केट में लाने की बात कर रहा है, तो जाहिर बात है इनमें असल चीज़ सिर्फ आपका चाम है जो उन तक पहुंच चुका है, कि उनको मालूम है कि हर न्यू एंट्री लेने वाला यानी कि फ्रेशर बिगनर वो जब क्रिप्टो की मार्केट में इन होता है तो उसको पहले से ही उसके दोस्त वगैरह वगैरह सब बता देते हैं कि यार तूने एंट्री तब लेनी है जब कोई कॉइन मार्केट में नया आएगा, और वो बेचारा ऐसे कॉइन लेकर के फंस जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो आपको अभी पांचों कॉइन के नाम बता देता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ आगे चल करके आपको एक साथ ही कॉइन्स के नाम बता दूंगा, लेकिन असल वजह कि ये कॉइन क्यों डीलिस्ट किए जा रहे हैं उसको भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसमें मेरा नहीं आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपके जज्बात के साथ कोई भी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन हो, बायनांस क्यों ना हो, कोई भी, वो आपके जज्बात और आपके पैसे के साथ खेलते हैं। और उन कॉइन्स को जिन्हें अब वो डीलिस्ट करने जा रहे हैं उनमें से सभी कॉइन्स की लिस्ट होते प्राइस क्या थी मैं वो भी आपको बताऊँगा, और अब उनकी कीमत क्या हो गई है वो भी उसका जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अब लाइक तो आप करेंगे ही, लेकिन अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे तो बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं डीलिस्ट होने वाले कॉइन्स की तरफ, और साथ आज मैं आपको उनकी आखिरी डेट भी बताऊंगा कि किस तारीख से पहले पहले आपने अगर ये कॉइन बाय कर रखे हैं तो आपने सेल कर देने हैं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो डियर व्यूअर, जितने भी इस वक्त कॉइन डीलिस्ट होने जा रहे हैं उनमें से सबसे पहले जो कॉइन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं उसका नाम है BCD यानी कि बिटकॉइन डायमंड। दोस्तों, ऐसे कॉइन्स में ये तो नहीं कहता कि स्पाम है, क्योंकि अगर स्पाम होते तो ये आपको इसका कंपनसेशन 76 सेंट भी ना देते, और अभी तो ये डीलिस्ट हुए नहीं है। जब ये डीलिस्ट हो जाएंगे यानी कि 8 मार्च को इन्हें डीलिस्ट कर दिया जाएगा, तो उस वक्त आपको क्या कंपनसेशन यानी कि मुआवजा मिलेगा ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि उस वक्त इनकी मनमानी चलती है। बायनांस के ऊपर एक छोटा सा नोटिफिकेशन जारी करके ये समझते हैं कि इन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो मुकम्मल कर दी। और ऐसे कॉइन्स को जब लिस्ट किया जाता है तो उसकी हाइट क्रिएट होती है, हाइट क्रिएट होने के साथ उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे इस कॉइन की मैं आपको यहाँ पर प्राइस बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये $10 में मार्केट में आते ही इसकी प्राइस निकाल दी जाती है। आप देख सकते हैं कि एंट्री इसकी जस्ट मार्केट में $1 से होती है, उसके बाद ये कॉइन हार्डली मेरे ख्याल से 20 दिन बाद ये अचानक से बूस्ट हो जाता है, और बायनांस के ऊपर अच्छी खासी जो मेजोरिटी है इसमें एंट्री लेती है, और $10 में बड़ी दुनिया इसको ख़रीद करके स्ट्रक हो जाती है, और उसके बाद ये कॉइन उठने का नाम नहीं लेता। और लिस्ट न्यू लिस्टिंग का जो लोगों को चस्का है इस वक्त उसका ये अंजाम है दोस्तों, कि इसे वहाँ से डीलिस्ट कर दिया जाता है, और ये चाहे जिस मर्जी करेंसी में अवेलेबल हो, वहाँ पर इथेरियम में, BUSD में, BNB में या USDT में, सारों से इसको निकाल दिया जाएगा। और वो दोस्त जिन्हें वहाँ पर इसकी वाफर मकदार में ख़रीदारी करके बैठे हुए हैं वो फंस जाएंगे। इसी तरह अगले 4 कॉइन्स के साथ भी बिहेवियर किया गया है, उनका भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा आगे चल के, कि उनके प्राइस क्या थे
और उनको अब क्यों डिलिस्ट किया जा रहा है, और उनकी वजह में अब नए क्वाइंस की तादाद आएगी और उसकी तादाद इनसे भी कहीं ज्यादा है। पहले बाइनांस की एक रूटीन थी कि वो एक एक क्वाइन लिस्ट करता था, अब बाइनांस अगले हिस्से में यानी कि जल्द आप देखेंगे कि वो एक हफ्ते में 25-25 क्वाइन लिस्ट करने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एंट्री बहुत सोच समझ के लेनी होगी। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल भी दोस्तों पैदा होता है कि कई दोस्त हमसे ये पूछेंगे, मैं उसका एडवांस में ही आपको जवाब दे देता हूँ कि क्या ये दूसरी एप्लीकेशन से भी डीलिस्ट हो जाएगा तो इसकी प्राइस गिरेगी। दोस्तों जब बाइनांस जैसी एप्लीकेशन इन क्वाइन को अपनी प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर देगी तो ऑब्वियसली दूसरी एप्लीकेशन भी कल को इसके बारे में सोचेंगी और इनकी वैल्यू लाजम उस दिन भी वहां पे गिरेगी। अब देखें यहां पर मार्केट में आज आपने बूस्ट देखा, लेट्स सपोज अच्छा खासा $5,000 से $6,000 का मार्केट ने बूस्ट लगाया, ये क्वाइन अभी भी आपको 3.88 के लॉस में ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से सेकंड क्वाइन की तरफ जो डीलिस्ट होने जा रहा है और उसका भी आपसे स्लाइडली तस्करा करेंगे। दूसरा क्वाइन जो डीलिस्ट होने जा रहा है दोस्तों उसका नाम है CND 1083, इसका रैंक है और ये कंपनसेशन आपको क्या देगा इसका मुझे वाकई में अंदाजा नहीं है। और 0039 पे अभी फिलहाल ये बाय करने को अवेलेबल है, 30% का इसमें मुसलसल लो लग रहा है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे डीलिस्ट होने के दिन नजदीक आते जाएंगे यानी कि 8 मार्च 2022, उससे पहले पहले इनकी और वैल्यू है जो बाइनांस पे गिर जाएगी ताकि आपको कोड़ियों में इसका मुआवजा मिले। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके हाई की, तो इसका हाई मार्केट में था 0.06 सेंट। अब आप अंदाजा करें कि अगर आपको क्रिप्टो में थोड़े सी भी अबूर हासिल है तो आपको जहन में एक बात रखनी चाहिए कि ये 0.06 जब 0035 में आ गया तो आपका $100 जो था वो क्या बन गया होगा, आपको अंदाजा हो गया होगा। और उसके बाद अब जबकि आपको डेट दे दी गई है तो ये आपको चंद दिनों में 38% के लो की बजाय हो सकता है 138% लो में देखने को मिले। और इसके कंपनसेशन में भी एक इतनी सरखपाई है कि सभी दोस्त जिस तरह के BTT का फिर यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि जब उसे उसका दूसरा वर्जन आया तो उसकी कन्वर्जन कराने में दोस्तों को इतनी तकलीफ आई कि कई लोगों ने तो मतलब 80% दोस्तों ने उस क्वाइन को अपने पोर्टफोलियो में वैसे ही फेंक दिया जैसे सेम मून के साथ भी बिहेवियर किया गया V1 और V2 में एक कन्वर्ट करके। और ऐसे क्वाइंस को बाइनांस, सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि ऐसे क्वाइंस को बाइनांस अपने प्लेटफॉर्म पर जगह ही क्यों देता है। तो दोस्तों पहले मुझे ये बताएं कि बिलियनियर या मिलियनियर होने का शौक किसे नहीं है, तो लिहाजा बाइनांस का जो ओनर है या जिसको इसको जो चलाया जा रहा है ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कोई आसमान से उतरे हैं, इन्होंने भी नौसरबाजी और दो नंबरी करके ही यहाँ पर लोगों को पागल बनाकर पैसा इकट्ठा करना होता। तो दोस्तों आप हो सके तो इस दोनों क्वाइन से छुटकारा हासिल करें और नेक्स्ट 3 का भी मैं जल्दी से एक साथ ही तस्करा अब आपको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। तो दोस्तों थर्ड क्वाइन है MTH यानी कि मोनिथा प्राइस इस क्वाइन का नाम है और अगर इसका मैं रैंक भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी 1057 रैंक का क्वाइन है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि मार्केट के आज के बूस्ट के अकॉर्डिंग इसमें भी आप 28.40 का लो देख रहे हैं और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। आप वीडियो को रोककर भी देख सकते हैं, हो सकता है कि ये आज शाम तक 60% तक चला जाए, तो मैं समझता हूं कि आपको इससे भी छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। थर्ड वन क्वाइन है, अब चलते हैं फोर्थ वन क्वाइन की तरफ। तो दोस्तों यहां पर मैंने फोर्थ वन क्वाइन भी ओपन कर लिया है, नाम है इसका Ncash नाइट्रो नेटवर्क प्राइस, ये भी 1082 रैंक का क्वाइन है, इसमें भी 21% का लो चल रहा है। और मैं यहां पे आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी जब मार्केट में आता है तो विद 10 मार्केट में लॉन्चिंग होती है, शुरू में अचानक से इसके प्राइस बढ़ते हैं और अब ये 000 में आपको देखने को मिल रहा है। और इस क्वाइन को भी आपने जितनी जल्दी हो यानी कि 8 मार्च से पहले आप इसे सेल करके जो आपको फिलहाल यहाँ पर प्राइस मिलेंगे आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट वन क्वाइन की तरफ, ये सारे क्वाइन 200 दिन में रखिएगा बाइनांस के ऊपर आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन आपने सोच समझ के इससे आपने एग्जिट लेना है और आप मेरी सोच से और मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इसका कंपनसेशन ज़्यादा अच्छा मिल सकता है और आपको कंपनसेशन लेने का तरीका भी आता है सपोर्ट सेंटर में जाकर के, तो यकीनन आप इन क्वाइंस को अपने पास सेफ रखें, आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं लास्ट वन क्वाइन की तरफ। तो दोस्तों लास्ट वन क्वाइन मैंने ओपन कर लिया है, ये भी 33.94 मतलब 34% लो लगा चुका है, 0061 में ये अपनी कीमत को घुसा चुका है। और अगर आज की बात करें तो लो हाई की तो 0053 और 01 इसका हाई रहा है, ये भी डीलिस्ट होने जा रहा है, ध्यान में रखिएगा
कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये कॉइन मौजूद है तो आप इसको सेल करके अपने पैसों को कहीं और लगा करके अर्निंग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल अपनी ऑडियंस को जैसे मैंने हमेशा प्रोजेक्ट्स बताए हैं अर्निंग करने के लिए, चाहे वो मेटावर्स के हों, अंडर वैल्यू, लो वैल्यू, हाई वैल्यू, लॉन्ग टर्म, स्मॉल टर्म, शॉर्ट टर्म, मंथली, कोई भी कॉइन आपसे दोस्तों मैंने अगर शेयर किया हो तो आपने जेन में रखना है कि मैंने कभी भी, मेरी हमेशा कोशिश रही है 110% एज अ स्टूडेंट ऑफ अ क्रिप्टो कि मैं आपको वो प्रोजेक्ट बताऊं जिसमें फ़ायदा हो और जो चार्म है आपके अंदर न्यू लिस्टिंग कॉइन का उसके नुकसान से मैं आपको बचा सकूं। और आज की वीडियो मेरी तरफ से आप सबके लिए सिवाय आपकी समझ ले केयर के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट भी मैं अपने व्यूवर्स को पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा समझता हूं। इजाज़त चाहता हूं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हमारे दूसरे चैनल अलमक्का टेक बाय उस्मान हुसैन को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।